कैश की किल्लत की वजह से जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है, लेकिन सरकार दावा कर रही है कि नकदी की कमी नहीं है। अब SBI की रिसर्च रिपोर्ट के आंकड़े सरकार के दावे और नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। जी हां, रिपोर्ट के मुताबिक कैश का लेन देन घटने की वजह से यह स्थिति पैदा हुई है, यानी PM मोदी की कैशलेस समाज बनाने की मुहिम ने जनता को इस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहाँ खुद के पैसों के लिए ही लोग तरस रहे हैं। देश में एक बार फिर नोटबंदी जैसे हालात को लेकर जब मोदी सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक पर सवाल उठे तो दोनों ने स्थिति सामान्य होने का दावा किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सब कुछ ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी कहा कि देश में कैश की कोई कमी नहीं है, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है वो SBI की रिसर्च रिपोर्ट ने बयां कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अब भी कई राज्य पैसों के लिए तरस रहे हैं, ATM में पैसे नहीं हैं। इसके लिए SBI की रिसर्च रिपोर्ट ने मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। रिपोर्ट के मुताबिक कैश का लेन देन घटने की वजह से यह स्थिति पैदा हुई है। इतना ही नहीं, SBI की रिसर्च रिपोर्ट ने नकदी संकट पर केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़ों को भी झूठा साबित किया है। केंद्र सरकार ने कैश की किल्लत की वजहों को गिनाते हुए कहा था कि इकोनॉमिक में सिर्फ 25,000 करोड़ रुपए की नकदी की कमी है। वहीं SBI ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश में जितनी कैश की आवश्यकता होनी चाहिए थी उतनी पूरी नहीं हुई है, जिसमें 70,000 करोड़ रुपए की कमी अभी भी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में डिजिटल और कैश ट्रांजैक्शन को लेकर गलत अनुमान लगाया गया था, जिसकी वजह से ये संकट पैदा हुआ है। लोगों में छोटे नोटों की डिमांड ज्यादा होने से ATM खाली हो गए हैं, और अब SBI ने जो आंकड़े जारी किए हैं उससे तो साफ है कि कैशलेस मुहिम ने देश में कैश की कमी की है। दिव्य लाइव की रिपोर्ट।